ये इश्क भी क्या आग है, जिस तन लागे वो मत जाने। हाँ राफे, आज का क्या लाइनअप है? सुना है? एवरीथिंग ओके? आप डरना शुरू हो जाएंगी तो बेटियों को बहादुर कौन बनाएगा? इश्क पहला एवरी थर्सडे फ्रॉम 21st October। वो दोनों एक दूसरे से रابطے में थे। नहीं, वो उसे नहीं जानती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने लाकर दी थी शामिर को। दरअसल शामिर का प्लान उस लड़की को अगवा करने का था। अगर उस दिन उसका भाई वहां ना पहुंचता तो जी जी वकील साहब। हाँ लेकिन वकील साहब, आपने तो कहा था कि आप आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, फिर ये अचानक। देखिए, अगर आपको कोई फीस चाहिए तो हम वो अदा करने को तैयार हैं, मगर क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? वकील केस छोड़ा। तो क्यों? पता नहीं, कह रहा है कि मसरूफियत की वजह से केस की पैरवी नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है, कोई मसरूफियत नहीं है उसकी। वो भी जानता है सच ये कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बाकी। एक हारा हुआ केस भला क्यों लेगा? शहरीना, बेटा परेशान ना हो, हम दूसरा वकील कर लेंगे। तो वो कौन सा कोई कारनामा अंजाम दे देगा? फैसला होने वाला है, आपने से कोई भी मेरे लाइन को अब नहीं बचा सके। रफीक को इतने जल्दी वकील तो मिलेगा नहीं कोई। वैसे भी मेरे सामने एक हारा हुआ केस कौन सा वकील लड़ेगा भला? मेरे बदले की आग तो तभी ठंडी होगी जब इस लड़के को फांसी पे लटका हुआ देखूंगा। वो फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, इस सबसे हासिल क्या होगा सर? क्या मतलब है तुम्हारा? I'm sorry, लेकिन शाहमीर वापस तो नहीं आ सकता ना सर? मेरे बेटे की रूह को तस्कीन तो मिल सकती है ना, और उसकी रूह को चैन तभी मिलेगा जब ये लड़का फांसी पे चढ़ेगा। और कहा ना, मेरा इंतकाम भी ऐसे ही पूरा होगा। लेकिन सर, इंतकाम लेने के और भी तो तरीके हैं। तुम शायद कुछ कहना चाह रहे हो, बेहतर यह है कि जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। लेकिन सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं मोहसिन साहब के वो मकान जो है ना, वो आज भी आपकी जरूरत है। नो। इस सब चक्कर में आपका अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होल्ड पर है सर। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपने बेटे की मौत पे सौदा कर लूं, इसलिए कि मुझे वो मकान चाहिए? एक बात कान खोल के सुन लो अकबर, इस तरह के 100 मकान होंगे ना तो भी मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करूंगा। मोहसिन साहब, अब पहली बार जज्बाती हो रहे हैं। जिंदगी इंतकाम लेने ही मकसद है ना रफीक के खानदान से? फांसी तो राहिल चढ़ेगा सर, असल गुनाहगार तो वो लड़की है जिसका नाम अलीज़ है। आप उससे बदला नहीं लेंगे? बदला तो उससे भी लेना चाहिए, अगर कैसे शादी करें ना उस उसके नाम जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी मिल्कियत हो जाएगी। दैट्स इट।
देखो तबरेज, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया प्लीज वो अपने तक रखना। अगर अंकल को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। क्या मतलब? क्या बाबा भी ये सब जानते हैं? दरअसल अदालत में मैंने वो बयान आपके वकील और अंकल के कहने पे दिया, वरना सच तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूं। I can't believe this. तुमने कोर्ट में झूठी गवाही दी है खुर्रम, कितना बड़ा जुर्म है पता है ना तुम्हें? पता है ना? How could you do this? तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। थैंक यू मुझे ये सब कुछ सच सच बताने के लिए। एक्चुअली तुमने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन से निकाल दी है, लेकिन बाबा अपनी दुश्मनी निभा रहे थे। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था खुर्रम। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन तबरेज शामिर मेरा दोस्त था, उसके कातिल को सजा मिलनी चाहिए। बड़ा भाई था वो मेरा, और उसकी मौत का दुख मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है? लेकिन ये कहा का इंसाफ है कि एक बेगुनाह आदमी फांसी चढ़ जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था, सिर्फ इसलिए। अब तुम क्या करोगे? नहीं जानता मैं। एक तरफ मेरे अपने और एक तरफ एनीवे थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी एवरीथिंग। चलता हूं मैं। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया कि बाबा अपनी जिद और दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। शामिर की गलती सारी उम्र का खसारा बन गई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह की बदुआ इस घर का बचा कुचा सुकून भी खत्म कर दे। जो कुछ तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता, और तुम जानते हो शगुफ्ता कितना वावेला करेगी। मोहसिन साहब, आपने उसको कौन सा बीवी का दर्जा दे देना, मुलाजमा की तरह घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी वो। लेकिन इससे हासिल होने वाले फायदे के बारे में सोचे। और मुझे एक बात बताए, आप कोई फैसला करेंगे तो शगुफ्ता भाभी एतराज कर सकती? ये बताए मुझे रफीक, वो मान जाए? जब जायदाद का वारिस ही ना बचा तो रफीक ने क्या क्या सोचना है? आप सोचें। मुझे लगता है कि अगली हियरिंग लास्ट हियरिंग होगी। बाई चांस अगर रफीक को लॉयर मिल गया सर, तो बेहतर है कि हम ये मामला कोर्ट से बाहर ही सॉर्ट आउट कर लें। इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। बात अगर फायदे की है तो मुझे मंजूर, मैं शगुफ्ता को हैंडल कर लूंगा। ये की ना आपने मर्दों वाली बात। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं, आपको फोन पर अपडेट करता रहूंगा मैं। पर एक रिक्वेस्ट है मोहसिन साहब, इस प्रोजेक्ट में आपने मेरा शेयर नहीं भूलना। नहीं भूलता। थैंक यू। सलाम अलैकुम। मशवरा तो इसने अच्छा दिया है। मौत इंसान को एक बार मारती है, लेकिन जिल्लत और बेबसी
उसे बार बार मरने पर मजबूर करते हैं। उस लड़की को यहां लाकर मैं उसके पूरे खानदान को दिन रात अजियत दे सकता हूं। शामीर की मौत की वजह तो बहरहाल वही है। जी हाँ, मुझे अहमर ने आपका नंबर दिया। जी उसी केस के हवाले से। अब फैसला तो होने वाला है, लेकिन देखिए, मैंने आपको बहुत उम्मीदों से फोन किया है। आप जितनी चाहें फीस मुझसे ले लें। ठीक है, मैं अभी आपके पास पहुंचता हूं। अल्लाह हाफिज़। क्या कहता है वकील? कम से कम बात करने को तो राजी हो गया है ना। मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग क्या चाहते। फैसला तो अदालत ने करना था, फिर हमारे वकील पर क्यों दबाव डाला गया? वो कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ कहीं से भी उम्मीद की जरा सी भी रोशनी दिखाई दे, उसको वो अपने असर और रसूख से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फिर क्या करेंगे? हम राहिल भाई को कैसे बचाएंगे? अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। वो अपने बंदों को उनकी बसात से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तुम बस दुआ करो, वो सब ठीक करेगा। तुम जरा मुझे वो वकील के पास पहुंचना है, जाके मेरे कमरे से राहिल के केस की फाइल ले आओ जल्दी से। मैं जाऊं। मैं लाती हूं। तो अब आप मेरे सर पे सौतन लेकर आना चाहते हैं? क्या हुआ जो मेरा एक बेटा मर गया, दूसरा तो अल्लाह के शुक्र से जिंदा है ना। मैं आपको अपने साथ ना ये ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं जानता था कि तुम बात को समझोगी नहीं और ना समझने की कोशिश करोगी और फौरन रिएक्ट करोगी। ओ बाबा, ये निकाह नहीं है, ये एक सौदेबाजी है, ये एक कारोबारी मामला है, इसे समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है। एक बात बताएं, हमें किस चीज की कमी है? आपने मुझसे कहा था ना कि शामीर के कातिल को सजाए मौत होगी, तो सौदेबाजी कहां से आ गई बीच में? शामीर की मौत का मुझे तुमसे ज्यादा गम है, लेकिन मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस लड़के को फांसी हो जाएगी तो शामीर वापस आ जाएगा। कह रहा हूं कि ये एक सौदेबाजी है, इसको बात समझाओ यार, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। दिमाग तो आपने मेरा खराब करके रख दिया। इस उम्र में लोग अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं, और यहां आपको अपनी शादी की सूझी है। तुम फिर वही बात कर रही हो, बात को समझने की कोशिश करो। शादी कर रहे हो? हाँ बेटा, ये अलीजे से निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारे भाई शामीर के कत्ल के बदले में, ताकि वो घर और जायदाद इनके नाम हो जाए। देखें, ये आप कैसे कर सकते हैं बाबा, ये तो सरासर जुल्म है। और जो हमारे साथ हुआ वो जुल्म नहीं है। जवान बेटा मर गया वो जुल्म नहीं है। चार दिन के बाद उस लड़के को फांसी हो जाएगी, मैं तो खुदा तरसी कर रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें शामीर भी बराबर का कसूरवार है। जिस मकसद से वो गया था ना, उसका अंजाम यही होना था। बस, मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया है, और अगर किसी को एतराज है तो इस घर को छोड़ के जा सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक एक करके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। देखो लीजिए, तो बस हौसला रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हौसला रख कर क्या करूं, मैं तो खुद गुनाहगारों में हूँ, तो इतनी नदामत होती है कि किसी को तसल्ली तक नहीं दे सकती। हेमर प्लीज, तुम शेरीना भाभी से बात करो, उनसे कहो कि अम्मी अबू से झगड़ा मत करे, उनको जो कुछ कहना है वो मुझसे कहे, मैं तो सबकी सुन रही हूँ, उनसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगी मैं। मुझे अंदाजा है, बखूबी अंदाजा है, लेकिन आप भी वो आजकल बहुत रूड हो चुकी हैं, किसी की बात नहीं सुनती। मैं काम करता हूँ, मैं अम्मी से फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ जाके आप ही को घर ले, थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी वो। Thank you.
कौन लड़ेगा हारा हुआ केस? अभी फैसला होना बाकी है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जानता हूं नतीजा एंड में मायूसी होगी। मैं ना उम्मीद नहीं, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी मैं भी यही चाहता हूं सब ठीक हो जाए, लेकिन नतीजा मुझे पता है ना। असल में देखिए कितना आपका खर्चा हो रहा है, अदालतों के चक्कर, वकीलों की फीस। नतीजा अदालत ने कुछ दिन में सुना देना, खून के बदले खून। इस अदालत के ऊपर एक और अदालत भी है जहां इंसाफ बिकता नहीं। देखिए रफीक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बाद में देख लेंगे। ये दुनिया है, यहां तो दुनियादारी ही चलती है। आपका बेटा मोहसिन अली की दुश्मनी की भेंट चढ़ रहा है, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। मैं आपके साथ बड़ा हमदर्द हूं, मेरा यकीन कीजिए। अगर आप कहें तो मैं आउटसाइड कोर्ट आपकी और मोहसिन अली की सेटलमेंट करवा सकता हूं। बाबा आप शादी कर रहे हैं, बाबा इस हद तक नहीं गिर सकते। नहीं, मैं अलीजे के साथ ये जुर्म नहीं होने दूंगा। सोच समझ के बात करो अकबर, मैं इस तरह की कोई शर्त नहीं मान सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने राजी किया है मोहसिन अली को। हाँ तो ठीक है, मैं हर कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी को इस मसले से अलग रखें। आपकी बेटी की वजह से ये मसला शुरू हुआ है, उसका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। फैसला आपके हाथ में, बेटे की फांसी या फिर। मुझे पैसे देने पे कोई इतराज नहीं है, मोहसिन अली अगर चाहे तो उसे वो मकान भी मिल सकता है, मगर मेरी बेटी ये नहीं हो सकता। रफीक साहब आप पैसों के एवज अपने बेटे के कातिल को माफ कर सकते हैं? कोई जबरदस्ती नहीं, एक ऑप्शन दिया है मैंने, समझ रहे? इंशाल्लाह अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी। इससे पहले अगर आप कोई फैसला कर लें तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अरे ये तुमने अब तक खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाए। अरे इस तरह से तो बीमार पड़ जाओगी, थोड़ा तो खा लो वरना बेगम साहब मुझ पर गुस्सा करेंगे। ताई अम्मी कहाँ है? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई इतने दिन से? सईदा अम्मा घर में सब ठीक है ना? जी वो सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। आपको कसम है मेरी, मुझे बताएं सब ठीक है ना, क्या चल रहा है घर में? जी वो मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन बेगम साहबा बहुत गुस्सा कर रही थी। और Thank you.
बाबा के अलीजे से निकाह, ये सरासर जुल्म है यार। तो फिर तुम अलीजे से निकाह क्यों नहीं कर लेते? मैं? हाँ तुम। लुक, तुम अलीजे से मोहब्बत करते हो ना, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हारे घर वालों को ये बात नहीं मालूम। और इस तरह देखो, राहिल की जान भी बचेगी और तुम्हारी अलीजे से शादी भी हो जाएगी। नहीं यार, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं उसे अपनी मोहब्बत में यकीन कभी नहीं दिला सकूंगा। वो हमेशा ये समझेगी कि शायद मैंने बदला लेने के लिए उसे शादी की है। यार तबरेज़, ये सब वक्त की बात है। वक्त के साथ साथ तुम दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा एक मिनट के लिए सोचो, जो तुम्हारे बाबा चाह रहे हैं अगर वो हो गया तो क्या तुम सारी जिंदगी अलीजे को यूं बर्बाद होता देख सकोगे? Of course not. Of course not. अच्छा अगर ऐसा ना भी हुआ तो तुम्हारी अलीजे से शादी नहीं हो सकती दोस्त। जानते हो क्यों? क्योंकि इतनी नफरत और दुश्मनी के बाद तुम दोनों के घर वाले इस निकाह को या इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। Yes. You're actually right. ये सारी वक्ती बातें हैं। और अगर वक्ती तौर पर मुझे अलीजे की नजरों में बुरा बनना भी पड़ा तो मैं ये दर्द सह लूंगा, लेकिन मैं अलीजे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अभी क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या समझती हो? तुम जो कहोगी तुम्हारी बात के आगे सब सर झुका देंगे? हाँ, ये घर मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझी तुम? शहरीना, बेटा क्या बात है, क्यों लड़ रही हो? पापा, आपको मेरा लड़ना नजर आ रहा है? अपनी बेटी की साजिश नहीं नजर आती आपको? ये अमर से मेरी शिकायतें लगा रही थी, उसे कह रही थी कि ये चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ। अमीन, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो तो अहमद से तुम मेरी बुराइयां कर रही थी। तुमने उसे कहा है कि मैं इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हूं। सुकून तो इस घर का तुमने बर्बाद कर दिया है। मेरा बसा बसाया घर उजड़ रहा है तुम्हारी वजह से। पोपो, आप बोल रहे, आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, चली जाओ। नहीं बेटा, राहिल तो चले गए ना। नहीं, पता नहीं वो कभी आएंगे। नहीं नहीं, कहते अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा जल्दी घर आएगा। बस दुआ करो अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। बस चुप चुप मेरा बेटा, और तुम इस घर की बेटी हो, बहू नहीं। चुप चुप जाओ मेरा बेटा, तुम कमरे में जाओ, आराम करो मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं सोचो। अमी, अलीजे, अमी मैंने अहमर से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो बस इतना सा कहा था उससे। फिर भी अलीजे, आइंदा तुम अहमर को घर की कोई बात नहीं बताओगी। मुझे शहरीना से कोई शिकवा नहीं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुल्म भी उसी के साथ हो रहा है, समझो। अरे तबरेज, यहां बैठो बेटा। तबरेज तुम कहाँ थे बेटा, मैं तुम्हें कब से कॉल मिला रही हूँ। एक्चुअली वो मैं भी आपसे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम भी बहुत परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है बाबा मान जाएंगे हमारी बात? वो पैसों के लिए इतने खुदखर्च और बेरहम भी हो सकते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। से तुम्हारे बाबा एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा शामिर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं उन्हें उस लड़की से शादी करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकती। बाकी जो उनका जी में आए वो करते फिरें। अम्मी, मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था, अगर मैं उससे निकाह कर लूं तो तुम? हाँ मैं,
देखिए ना, बाबा का मकसद तो ऐसे भी पूरा हो सकता है, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि रानिया की जैसी इद्दत खत्म होगी तुम्हारा और उसका निकाह करा देंगे। अम्मी, रानिया की शादी तो कहीं और भी हो सकती है। नहीं, हम रानिया की शादी कहीं और नहीं कर सकते हैं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि घर में और जायदाद में रानिया का बराबर का हिस्सा है, और इस जायदाद की वजह से ही तुम्हारे बाबा ने उसकी शादी शामिर से की थी, इसलिए हम उसकी शादी कहीं बाहर नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, उस लड़की से तुम्हारा निकाह हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बदले में लाई गई एक लड़की की हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर नहीं हो सकती। तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ रानिया होगी। मेरे पास शाहमीर की यादों के सिवा और बचा ही क्या है, और ये लोग मुझसे शाहमीर का नाम तक छीनना चाहते हैं। अबू, आप कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। बैठो। नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस तुम्हें देखने को दिल कर रहा था। तुम शायद पढ़ रही थी। कोशिश कर रही थी, बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपने लिए परेशान नहीं हूँ अबू, मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हूँ। जब मम्मी और भाभी को इस तरह रोते हुए देखती हूँ ना, काश मैं आप सबकी तकलीफ का अजाला कर सकती हूँ। आपकी बेटी की वजह से ये मसला शुरू हुआ है, उसका नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। फैसला आपके हाथ में, बेटे की फांसी या फिर। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बेटा, तुम पढ़ो, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ बेटा, खुश रहो। हाँ अकबर, क्या न्यूज है? जो मालूम था वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। फिर क्या सोचा है तुमने? ठीक, दबाव डालो उस पर, जितना ज्यादा दबाव डाल सकते हो डालो, उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिमाग ठंडा हुआ तुम्हारा? सोचा है कुछ? मैंने बहुत सोचा, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब आपने सोच ही लिया कि वो लड़की इस घर में आएगी तो उसका निकाह तबरेज से होगा। पागल हो गई हो तुम? तबरेज से उसका निकाह कैसे हो सकता? तबरेज मेरी सारी जायदाद का इकलौता वारिस है, और वैसे भी उसके उसूल पहाड़ जैसे हैं, वो कभी नहीं मानेगा। तबरेज ने ये बात खुद मुझसे कही है, राजी है वो। क्या तबरेज? तबरेज को वाकई? तबरेज को अगर कोई एतराज नहीं है तो
मुझे भी कोई एतराज नहीं, मकसद तो है उस लड़की को इस घर में लाना। ठीक है, उसका निकाह हम तबरेज से ही कर देंगे। और हाँ, एक बात और करनी है आपसे। आपको पता है कि रानिया की इद्दत में बहुत कम वक्त रह गया, और जैसे ही इसकी इद्दत खत्म होगी ना, हम इसका निकाह तबरेज से करा देंगे। क्या तुम बात को घुमाकर रानिया के निकाह पर ले आती? क्या परेशानी क्या है तुम्हें उससे? रानिया मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही, वो हमेशा से मेरे साथ है और मेरे हाथ में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके खानदान वाले क्या कहेंगे? अभी तो ये किस्सा इस घर में है, इस चार दीवारी के अंदर, बाहर लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ये किस्सा जरूर बाहर निकलेगा। बताएं उस वक्त आप क्या करेंगे जब इसका हिस्सा बाहर वालों को देना पड़ेगा? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, रानिया की जायदाद बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन तबरेज नहीं मानेगा। जब फैसला हमारा होगा तो रानिया भी मानेगी और तबरेज भी मानेगा। और वैसे भी ये बात अब तक उन तक पहुंच चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इनकार की कोई भी गुंजाइश बाकी है। ठीक, बाकी उस लड़की की क्या औकात है? किसकी क्या औकात है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसको इतनी तकलीफ दूंगी ना मैं कि दिन रात अपनी मौत की दुआएं मांगेगी। ऐसा ही मैं भी सोचता हूँ। बेगम साहबा, क्या हुआ सईदा? रानिया बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया उसे? बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाके देखो, तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर को बुलाओ। जी जी, मैं देखती हूँ। रानिया, क्या हो गया बेटा? रानिया उठो, शाबाश, उठो मेरी जान, उठो। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? हाँ, क्या हुआ? पता नहीं था यमी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे तुम कुछ खाती पीती भी तो नहीं हो, देखो जरा चेहरा कैसा पीला पड़ गया। कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ खाती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। रात को भी मतली हो रही थी। और कब से हो रहा है ये सब? नहीं था यमी, 2-3 दिन से शायद। और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और तुमने भी मुझसे जिक्र नहीं किया। वो अच्छा, अब जाओ, जाके तबीयत से कहो कि डॉक्टर को कॉल करें। जाओ। अच्छा ठीक है। सॉरी बेटा, जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। क्या मतलब था यमी? मुझे लगता है बेटा कि खुशखबरी है। अबू, आप उनकी बात नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी इतनी भी कीमती नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी बहन को जिंदा दरकोर कर दूं। बेटा, जहां तक घर और पैसों की बात है तो तुम्हें हमारी जान के सदके में उनको दे सकता हूँ, मगर अलीजे, उससे ये जुल्म नहीं होगा। बेटा नहीं होगा। अबू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी खातिर अपनी बहन से ये कुर्बानी मांगूंगा? भाई तो बहनों के लिए कुर्बान होते आए हैं। वो मर तो सकता हूं, लेकिन अलीजे के साथ ये ज्यादती नहीं होने दे सकता। आपको मजीद अब कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वकील अगर कोई बात नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुका। हो जाने दे मुझे फांसी की सजा।
बेटा तुम फिक्र ना करो, हम आला अदालत में जाएंगे, मैं अपील करूंगा, चाहे मुझे अपना सब कुछ पीके भी रखना पड़े ना, फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। बस परेशान मत हो, तुम अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मोहसिन अली की तरफ से आपके लिए एक खुशखबरी है। जिस इंसान के सीने में दिल नहीं पत्थर हो, जो औलाद होते हुए भी दूसरे की औलाद को तकलीफ पहुंचाता हो, ऐसे शख्स की जानिब से किस खुशखबरी की उम्मीद की जा सकती है? उसको औलाद का दुख भी तो आपकी औलाद की तरफ से मिला है रफीक साहब। लेकिन अजाले का ये तरीका ठीक नहीं है। जितनी बदनामी आपकी बेटी की हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई शरीफ खानदान इस शहर में उससे रिश्ता जोड़ेगा। आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि मोहसिन अली अपने लायक फायक बेटे का निकाह करना चाह रहा है आपकी बेटी से। मेरा जवाब अब भी वही है, मेहरबानी करके मुझे बार बार फोन ना करें। क्या हुआ, आप किससे बात कर रहे थे? आप मोहसिन अली के वकील का फोन था। क्या कह रहा था वो? लोग अलीजे का मकान और उसकी जायदाद का हिस्सा चाहते हैं। तो दे दीजिए ना, वो लोग जो कुछ भी मांगते हैं आप दे दें, बस अल्लाह के वास्ते मेरे राहिल को बचा ले। अरे कैसे बचा लूं, कैसे? वो राहिल के बदले अलीजे चाहते हैं।